अंग्रेजों के साथ मैसूर के कुल चार संघर्ष हुए थे, जिसमें से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक होता है, जो कि 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक होता है, मीन चार साल चलता है, और जो कि मंगलुरु की संधि के साथ समाप्त होता है। इससे एक डिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलुरु की संधि, जो कि 1784 में हुई थी, इस संधि पे अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलुरु की संधि, जो कि 1784 में हुई थी, इस संधि पे अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम है। मद्रास के गवर्नर का क्या नाम है, तो वो थे लॉर्ड मैकॉर्टनी। लॉर्ड मैकॉर्टनी थे। तो यहाँ तक तो हो चुका है। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग टीपू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या होता है, 1782 में जब पोर्टोनोवा का युद्ध होता है तो उसमें हैदर अली पराजित हो जाता है। उसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तब उसका बेटा टीपू मैसूर की गद्दी पे बैठता है। तो इधर हैदर अली की मृत्यु होती है और उधर आयरकूट, जो कि हाँ पहले पोर्टोनोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ होता है, तो वो आयरकूट और हैदर अली के बीच हुआ होता है, जिसमें मतलब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था वो आयरकूट ने किया था, और मैसूर राज्य की तरफ से कौन थे, तब हैदर अली ही थे। तो उसमें हैदर अली हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उधर आयरकूट की भी मृत्यु हो जाती है थोड़े दिन बाद। फिर आयरकूट की जगह जो अंग्रेजी सेना का कमान संभालता है वो मैथ्यूज़ होता है, और फिर उसके बाद मैथ्यूज़ को टीपू जो है 1783 में बंदी बना लेता है, और बाद में वही मैंगलोर की संधि होती है। तो टीपू जो है वो 1787 में विधिवत बादशाह की उपाधि के साथ, मतलब विधिवत रूप से बादशाह की उपाधि को धारण करता है, लेकिन जो हैदर अली थे उन्होंने कभी भी कोई शाही उपाधि को धारण नहीं किया था। टीपू सुल्तान ने 1787 में विधवत बादशाह की उपाधि को धारण किया था, लेकिन हैदर अली ने कभी भी कोई भी शाही उपाधि को धारण नहीं किया था। टीपू सुल्तान एक योग्य शासक था, ये एक पढ़ा लिखा शासक था, इसे कन्नड़, उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान था। कन्नड़, उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं का ज्ञान था। टीपू ने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे, इनके सिक्कों पे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां अंकित थी। इससे पता चलता है कि एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। इन्होंने जो सिक्के थे उसमें हिंदी देवी देवताओं की आकृतियां अंकित करी थी, तो इससे क्या पता चलता है कि धर्मनिरपेक्ष शासक थे। मतलब ये किसी भी, ये कोई कट्टरपंथी शासक नहीं थे कि हाँ बस मैं अपने ही धर्म को मानता हूँ। इन्होंने सारे धर्म के लिए खुली छूट दे रखी थी। इन्होंने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य श्री सच्चिदानंद भारती का भी बहुत आदर करते, ये जो थे इस श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य श्री सच्चिदानंद भारती का बहुत आदर करते थे। इसने हिंदू मंदिरों की पूजा में कभी रुकावट नहीं डाली थी और अपने दरबार में हिंदुओं को ऊंचे पदों में नियुक्त किया था। टीपू ने पैगंबर के जन्म के आधार पर एक नया संवत भी चलाया था। टीपू ने पहली बार मैसूर में रेशम के उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ किया, जो कि आगे चल के एक सफल उद्योग के रूप में विकसित हुआ। टीपू ने आधुनिक तरीके से कागज बनाने के कार्य में भी सफलता हासिल करी थी। उसने घड़ियों और छुरी कांटों के उत्पादन में भी कामयाबी हासिल करी थी। टीपू ने फ्रांसीसी सैनिकों के प्रस्ताव पर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है, उसकी स्थापना करी और उसकी सदस्यता को भी ग्रहण किया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी सैनिकों के प्रस्ताव पर श्रीरंगपट्टनम में जो कि जैकोबिन क्लब श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब जो कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है की स्थापना करी और उसकी सदस्यता को भी ग्रहण किया था। यह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था, इसीलिए इसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। इम्पॉर्टेंट है ये, इसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। थॉमस मुंडो ने टीपू के बारे में कहा था कि नई रीत से चलने वाली अशांत आत्मा है टीपू।
मतलब थॉमस मुंडो ने कहा था टीपू को कि ये नई रीत से चलने वाली अशांत आत्मा है। साम्राज्यवादी लेखों ने इसे सीधा साधा दैत्य कहा था, साम्राज्यवादी लेखों ने इसे सीधा साधा दैत्य कहा है। टीपू ने एक राजकीय व्यापारी निगम की भी स्थापना की थी। इस निगम की अध्यक्षता 9 सदस्य वाला बोर्ड करता था, जिसे मुली कुंतुजार कहा जाता था। टीपू ने एक राजकीय व्यापारी निगम की भी स्थापना की थी। इस निगम की अध्यक्षता 9 सदस्य वाला बोर्ड करता था, जिसे मुली कुंतुजार कहा जाता था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में होता है, मतलब 1790 से 92 तक होता है। ध्यान रहे कि 84 में जब मंगलुरु की संधि होती है उसके बाद बीच में युद्ध नहीं होता है, डायरेक्ट 1790 से स्टार्ट होता है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मुगल बादशाह था वही शाह आलम द्वितीय ही थे, क्योंकि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का शासनकाल ही इतना था, 1759 से 1806 तक था इनका शासनकाल। तो मतलब चारों मैसूर युद्ध में मुगल बादशाह अगर देखे तो शाह आलम द्वितीय ही थे, मतलब यही थे ही। और बंगाल का गवर्नर जनरल इसमें कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवलिस। और द्वितीय वाले में कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवलिस थे, इनका जो था 1786 से 93 तक थे। तो इस युद्ध का कारण क्या था? कॉर्नवेलिस ने ये आरोप लगाया था कि टीपू फ्रांसीसियों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ, मीन्स अंग्रेज़ों के खिलाफ गुप्त योजना बना रहा है। तो अंग्रेज़ों ने इस युद्ध की शुरुआत मद्रास के गवर्नर मीडोज के नेतृत्व में की थी, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पहले शुरुआत हुई थी तो उस समय मद्रास के गवर्नर जो थे मीडोज, उनके नेतृत्व में हुई थी। लेकिन वो हार जाते हैं और उसकी जगह कॉर्नवेलिस खुद को अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने लगता है, मतलब खुद ही कॉर्नवलिस जो था वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने लगता है। मराठों और निज़ामों को अपने साथ मिलाकर कॉर्नवलिस ने 1792 को श्रीरंगपट्टनम के किले में घेरा डाला और फिर टीपू श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए मजबूर हो गया। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम के किले में घेरा डाला और टीपू जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए मजबूर हो गया। इस संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज, मीन्स मैसूर राज, अंग्रेज़ों को देना पड़ा, मीन्स मैसूर राज्य का जो आधा पार्ट है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा। और युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को देने थे, जिसकी अदायगी 1 साल के भीतर की जानी थी। और जब तक अदायगी नहीं हो जाती तब तक टीपू के 2 पुत्र अब्दुल खालिद और मोइद्दीन को प्रतिभूति के रूप में रखा गया था। किसको किसको? अब्दुल खालिद को और मोइद्दीन को प्रतिभूति के रूप में रखा गया था। इस संधि के बाद कॉर्नवलिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रु को कुचल दिया है। क्या कहा था? हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रुओं को कुचल दिया है। फिर उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में होता है, बीच में फिर वही युद्ध नहीं होते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो वेलजली था। ये 1798 से 1805 तक रहता है बंगाल का गवर्नर जनरल। 1799 में लॉर्ड वेलजली ने टीपू के समक्ष सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। यहाँ पे सहायक संधि मीन्स ये था, ये मतलब सहायक संधि जिस राज्य से करते थे तो उस राज्य में अपनी सेना को भेजते थे कि वो, मतलब सेना जो है वो उस राज्य की रक्षा करेगी और उस सेना का जो खर्च है, उसका रख रखाव का खर्च है पूरा उस राज्य को ही देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो कमज़ोर शासक हो उनके लिए तो सही है क्योंकि वो अपनी राज्य की रक्षा नहीं कर सकते थे, लेकिन टीपू तो एक योग्य शासक था, वो अपनी राज्य की रक्षा कर सकता था। तो इसी वजह से उसे ये सही नहीं लगा, उसे सहायक संधि को स्वीकार करना उसका प्रस्ताव सही नहीं लगा और उसने इसे मना कर दिया। तब वेलजली ने मैसूर पे आक्रमण कर दिया और 4 मई 1799 को टीपू श्रीरंगपट्टनम के किले के पास युद्धकर्ता व वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके संबंधियों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया और मैसूर के ज़्यादातर भाग को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। वो वीरगति को कहाँ प्राप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम के किले के पास, और उसके संबंधियों को वेल्लोर ने कैद करके रखा गया था। फिर उसके बाद मैसूर के ज़्यादातर जो राज्य थे उन्हें ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। टीपू सुल्तान ने कहा भी था कि 100 दिन के गीदड़ की भांति जीने से अच्छा है कि 1 दिन शेर की तरह जिया जाए। अब इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
हैदर अली की मृत्यु 1782 में होती है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है, तो द्वितीय में, क्योंकि पोर्टोनोवो के वॉर में होती है जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ही पार्ट होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में पराजित किया था? तो किसने किया था? सर आयर कोट ने किया था। किसने कहा था कि मैं अनेक वलियों व व्रतवटों को पराजित और अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को तो नहीं सुखा सकता हूँ? किसने कहा था कि मैं अनेक वलियों और व्रतवटों को पराजित कर सकता हूँ, अंग्रेजों के स्थल साधनों को भी समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को तो मैं नहीं सुखा सकता? ये हैदर अली ने कहा था। भारतीय शासकों में वो कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास भेजा था? भारतीय शासकों में वो कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? वे थे टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय उचित थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, टीपू सुल्तान। किसने ये कहा था कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह जिया जाए? टीपू सुल्तान ने कहा था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करता हुआ कब मारा गया? तो 1799 में। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? डुप्ले हैं। और सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक रूप से स्वरूप देने वाले कौन है? लॉर्ड वेलेजली हैं।